ये ख्याल था कि फ्लटर जो है वो फेलियर है, लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ जब मैंने डिफरेंट फ्लटर डेवलपर से बात की और अपने दोस्तों से जो जो डिस्कस किया था, जो बात हम चाय पे बैठते हैं तो यही बातें होती हैं हमारी, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, फ्लटर उन्होंने बहुत वाइज डिसीजन है, जो गूगल ने फ्लटर का फ्रेमवर्क जो डेवलप किया ना, बड़ा वाइज डिसीजन है उनका। अच्छा, पहले होता ये था कि वेब डेवलपर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती थी। अच्छा, वेब डेवलपर फ्रंट एंड भी देखेगा, बैक एंड भी देखेगा, डिप्लॉय भी करेगा, क्लाउड के मसले मसाइल भी देखेगा, डेटाबेस भी वही डिज़ाइन करेगा, सब कुछ ये सारा मामला वो देखेगा, सिक्योरिटी भी किसी हद तक वही देख रहा होता था। ठीक है, अगर आपके पास सिक्योरिटी का अलग से एक्सपर्ट नहीं है तो सिक्योरिटी भी वही देख रहा होता था। तो वेब डेवलपर की प्लेट के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें पहले ही मौजूद थी, उस पर से फिर ये मोबाइल ऐप भी आ गई। अच्छा, मोबाइल ऐप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो वेब से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मोबाइल ऐप के अंदर जो बैक का बटन नहीं होता, अब वो बैक का बटन हम तो देखते हैं, अच्छा बैक का बटन नहीं है तो हम वो कोई होम पे क्लिक कर देते हैं, अब वो होम का बटन होता है ऊपर इसमें, तो अब वो टैब लगाते हैं उसके लिए बहुत दूसरी तरह की जुगाड़े करते हैं ये। ठीक है, फिर जेस्चर्स होते हैं जो वेब में होते ही नहीं है। वेब में कौन से जेस्चर होते हैं? वेब में तो कोई जेस्चर नहीं होते, इसमें स्वाइप वाइप का जेस्चर होता है, पिंच होता है, पता नहीं, वो तो ज़रूरी है सारा। फिर वो शेक पे वो पता नहीं काम करवाते हैं कुछ, कि फ़ोन को शेक करें तो कुछ चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं उसमें, तो इस तरह के जेस्चर तो होते ही नहीं है वेब में। तो वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है मोबाइल एप्लीकेशन का। फिर मोबाइल एप्लीकेशन को पब्लिश करना, उसको बनाना, उसको बिल्ड करना, उसको वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है जो वेब में दूर दूर तक लेना देना नहीं है उसको। तो फिर मोबाइल का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी वेब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए एक वेब डेवलपर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो अच्छा मोबाइल ऐप बनाएगा, ये एक बेवकूफ़ी की बात है। लिहाजा ये मतलब ये वो बात ही नहीं है कि रिएक्ट नेटिव अच्छा फ्रेमवर्क है या बुरा फ्रेमवर्क है या जो भी, ये बात उससे भी बहुत पहले की बात है। ये उससे भी पहले बात आती है ना कि यार एक बंदा जब इतने सारे काम कर रहा है तो उसके वो कर ही नहीं सकता कभी भी, यूज़र एक्सपीरियंस दो दो का वो देखेगा तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा उसके पास काम हो जाएगा। तो ये इसको जो है ना डिवाइड किया गया, मॉड्यूलर किया गया फ्लटर के अंदर। इन्होंने कहा कि यार हम क्यों ना उस बंदे से मोबाइल ऐप बनवाएं जो पहले ही मोबाइल ऐप का एक्सपर्ट है। तो इन्होंने ये लैंग्वेज जो डार्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अच्छा, स्विफ्ट और कॉटलिन ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। जो स्विफ्ट आईफोन की ऐप बनती है, कॉटलिन जो है वो एंड्रॉयड की ऐप बनती है, ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। तो उन्होंने ना इससे बिल्कुल क्लोज सिंटेक्स लिख के ये फ्रेमवर्क तैयार कर लिया फ्लटर के नाम से। अब क्या होता था कंपनीज़ को, असल जो प्रॉब्लम था ना कंपनीज़ को, कि यार दो दो डेवलपर हायर करने पड़ते हैं, कि यार एक एंड्रॉइड का अलग करो, आईओएस का अलग करो, एंड्रॉइड वाले के अलग नखरे हैं, आईओएस वाले के अलग नखरे हैं। आईओएस वाला बोलता है कि मेरे से ऊपर कोई मतलब है ही नहीं, मैं ही सबका बाप हूँ, तो वो पैसे भी मांगता है, फिर वो ज़रा फिर एटीट्यूड में भी रहता है, वो कहते हैं यार दो दो करना पड़ता है। तो सेठ जो आदमी है ना, सेठ आदमी को ये मसला था, ये तो जो यूज़र एक्सपीरियंस, बंदे का एक्सपीरियंस तो बहुत बात की बात है, जो ऐप बना रहा है वो तो सेठ आदमी है ना यार, कोई उसका मसला ये था कि दो बंदे हायर करने पड़ते हैं, दोनों के नखरे उठाने पड़ते हैं। तो इन्होंने बोला अच्छा भाई आप दो हायर नहीं करो, आप करो अब एक हायर, या तो आईओएस का या तो इसका एंड्रॉइड का, और उसको आप फ्लटर सिखा दो, अब वो दोनों का काम करेगा। वेब डेवलपर ऑन अदर हैंड उसका एक काम आपने कम करवा दिया तो वो अपना सुकून में आ गया। तो ये बहुत वाइज डिसीजन इन्होंने लिया फ्लटर के अंदर ना। ठीक है, लेकिन ये इस केस स्टडी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वेब डेवलपर फ्लटर की तरफ अट्रैक्ट ना ही हो तो बेहतर है। ये असल में उन लोगों के लिए जो पहले से मोबाइल ऐप के एक्सपर्ट्स हैं तो वो करेंगे, तो इससे इंडस्ट्री के अंदर ना ज़रा सा एक बैलेंस पैदा हो गया। वरना वेब डेवलपर के पास तो पहले ही इतनी पता नहीं वेब पैक और पता नहीं गल्प और पता नहीं ग्रंट और पता नहीं गिट और पता नहीं क्या क्या, एक छोटे छोटे कितने टूल हैं, तो फ्लैक्स बॉक्स, तो पता नहीं CSS, तो पता नहीं HTML, JavaScript, फिर JavaScript के अंदर 1000 तरह की लाइब्रेरीज, फिर उसके अंदर वो JWT और पता नहीं वो बिक्रिप्ट और ऑथेंटिकेशन और सारे टोकन वोकन सेशन मेंटेन करना और पता नहीं फिर वो उसको रिस्पॉन्सिव बनाना, तो ये बहुत सारा आइटम है ये। फिर उसके बाद उससे मोबाइल ऐप भी बनवा रहे हो आप, वो भी रिएक्ट नेटिव में, जो सर का दर्द है, या आयोनिक में। आयोनिक भी अभी तो पता नहीं क्या हालत है उसकी, लेकिन उस ज़माने में बहुत ही बेकार था वो, मतलब बन तो जाती थी यार बड़े आसानी से, लेकिन इतनी स्लो होती थी कि बस बंदा चलाए और सो जाए उसको। या जो भी और फ्रेमवर्क्स हैं मोबाइल ऐप बनाने के, जैसे वो पता नहीं एक वेब फ्लो करके पता नहीं क्या है, उस पर भी बन जाती है मोबाइल ऐप, वो ड्रैग ड्रॉप करके प्लेटफॉर्म है, तो वो भी अगर वेब डेवलपर से आप बनवा रहे हो तो उसके लिए सर का दर्द ही है वो। तो लिहाजा ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया कि भाई वेब डेवलपर मोबाइल ऐप को छोड़ दे, भूल जाए।
अच्छा अब क्या होगा, वेब डेवलपर को एक ही मसला रह गया अब कि वेब डेवलपर जो अगर फुल स्टैक का काम कर रहा है, अगर तो जस्ट फ्रंट एंड है तो ये मसला नहीं है फिर, अगर फुल स्टैक है तो जाहिर है सर्वर भी लिख रहा है वो, तो सर्वर से जो एपीआई वो बनाता है उसको जस्ट ये जहन में रखना होता है कि यही एपीआई मोबाइल ऐप में भी इस्तेमाल होगी, जो कि अभी हमने जो भी एपीआईज लिखी हैं ये सारी की सारी एपीआईज मोबाइल ऐप से हिट की जा सकती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी वेब मोबाइल से हिट की जा सकती है, ठीक है। JWT की जो ऑथेंटिकेशन HTTP ओनली कुकी हमने लगाया है वो मोबाइल में एज इट इज़ काम करती है, ठीक है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो मोबाइल ऐप से हो नहीं सकती, सही है, कोई उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो जस्ट इसको अब ये जहन में रखना होता है, दैट्स इट। अच्छा फिर वेब डेवलपर से एक कंसर्न और ख़त्म किया इन्होंने रिसेंटली, पहले ये होता था कि यार डेव ऑप्स का बीच में कॉन्सेप्ट आ गया था कि यार डेव ऑप्स होगा, एक ही बंदा होगा जो डेवलपमेंट भी करेगा और वो ऑपरेशंस भी करेगा, तो अब किसी हद तक जो है ना वो डेव ऑप्स भी एक हायर करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर 4-5 लोगों की टीम है ना अगर वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो 4-5 वेब डेवलपर्स हैं, तो उसमें से एक बंदा वो कहते हैं यार डेव ऑप्स का हो। अच्छा उसको वो मेनली फ्रंट एंड बैक एंड पे इस्तेमाल नहीं करते, उसको वो मेनली डेव ऑप्स ये ऑपरेशंस का जो काम है ना मेनली वो उससे लेते हैं। अच्छा कभी कभी उससे कोई API वगैरह भी लिखवा लेते हैं या फ्रंट एंड, या मतलब क्योंकि डिप्लॉयमेंट तो महीने में एक दफ़ा होती है ना यार, एक तो शुरू में होती है डिप्लॉयमेंट कि अच्छा जी ये ऐप बन रही है तो ये किधर डिप्लॉय होगी, वो पूरी शुरू की जो सेटिंग है किसी, जब वो app.yaml बना दिया और वो ये डॉकर किया तो डॉकर की फाइल लिख दी, या जो वो शुरू में जो पोर्ट वोर्ट का हिसाब किताब है वो किस तरह से सेट होगा, ठीक है, लोकल पे कैसे चलेगी और उस पर प्रोडक्शन में कैसे चलेगी, तो शुरू की एक सेटिंग होती है, उसके बाद वो फ्लो सेट हो जाता है, उसके बाद वो काम होता है सीधा सीधा, उसके बाद हर महीने जो बिल्ड पब्लिश होती है या हर 6 महीने पे जो बिल्ड पब्लिश होती है कि भाई ऐप का नया वर्जन आ गया उसको प्रोडक्शन में डाल दो, तो वो हर 6 महीने पे एक दफ़ा उसकी ज़रूरत पड़ती है डेवऑप्स वाले बंदे की, यानी एक्सटेंसिवली, क्योंकि वो तो वन सेटिंग हो गई सीधा सीधा चल रहा है, तो उसके लिए वो 4-5 लोगों की टीम में ना एक डेवऑप्स रखते हैं आजकल, ताकि वो उस मामले को देखता रहे। वेल हाँ हाँ नहीं, वो तो रिएक्ट नेटिव, देखें वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि रिएक्ट नेटिव मैं नहीं पढ़ाता, दूसरे टीचर पढ़ाते हैं रिएक्ट नेटिव। नहीं नहीं आपको तो पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, रिएक्ट नेटिव आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं जाएगा रिएक्ट नेटिव। हाँ हाँ क्वालिटी एश्योरेंस बहुत पैसे होते हैं इस फील्ड के अंदर, क्वालिटी एश्योरेंस मेरा ख्याल है कि शायद डेवलपर से भी ज़्यादा पैसे लेता है क्वालिटी एश्योरेंस वाला, लेकिन वो हम यहाँ पे इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है वो क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा एक एक क्वालिटी एश्योरेंस एक और भी होता है, वो तो ये होता है कि अच्छा वो ऐप आपको URL दे देते हैं, बोलते हैं यार ये ऐप है इस पर ज़रा बस लॉग इन साइन अप करके इसको चला चला के देखते रहो क्या हो रहा है इस पर, तो और उसमें ज़्यादातर वो लड़कियों को रखते हैं तो वो कोई भाई वो QA नहीं होता, वो कोई वो मजाक होता है, सही है, उनको अब कोई इस पे बंदा माइंड ना करे कोई सॉफ्टवेयर हाउस वाला, लेकिन जो अपेरेंटली वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो लड़के होते हैं ज़्यादातर डेवलपर्स, तो उनका दिल लगा रहे इसलिए वो एक बंदी रख लेते हैं। अच्छा वो करना उसको वो कोई QA व्यू नहीं होता, वो बेवकूफ़ी की बात है, वो उसको बस मोबाइल ऐप है तो एक मोबाइल पकड़ा देते हैं उसको, आईफोन या एंड्रॉयड का दो फ़ोन पकड़ा देते हैं, वो कहते हैं इस पे बस ना आप ये करें कि आप बैठा करें आप और बैठ के इसको आप चलाते रहा करें, क्या चलाना है कुछ चलाना है वो भी उसको पता नहीं होता, तो वो उसको चलाती रहती है, वो कभी कभी उसको लगता है कि अच्छा यहाँ कलर रेड है तो यहाँ ना थोड़ा ज़्यादा तेज़ रेड है, तो वो उसको एक्सेल शीट में लिख देती है कि यहाँ ज़्यादा तेज़ रेड हो गया, सही है, या वो बोलती है कि अच्छा इसमें तो वो क्लिक करते हैं ना तो ये काम नहीं करता, बस इस तरह के वो बग्स उसको निकाल निकाल के वो एक एक्सेल शीट में लिखती रहती है, फिर उसका काम क्या होता है कि वो एक्सेल शीट किसी डेवलपर के साथ बैठ के उसको वो समझा दे, सही है। अच्छा उसको वो पैसे भी कोई इतने ज़्यादा नहीं देते, मतलब गुजारे वाले ही देते हैं, 30-40 हज़ार में उसको मतलब रखा होता है, और अपेरेंटली वो इसलिए नहीं होता। वैसे जो QA का जो काम है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, उसके लिए बाकायदा फ्रेमवर्क्स होते हैं। आप सोचें ना कि एक वेब डेवलपमेंट की टीम ने एक वेब एप्लीकेशन बना दी, वो हर ब्राउज़र पे चलेगी, सही है। अच्छा गूगल क्रोम जो मैक के ऊपर चल रहा है और जो विंडोज़ पे चल रहा है, वैसे तो वो एक है दोनों, कहने को तो वो एक है, लेकिन वो अलग अलग है भाई। सम टाइम ऐसा होता है कि मैक के गूगल क्रोम में कोई बग आ रहा होता है वो विंडोज़ पे नहीं आ रहा होता, वो सही होता है विंडोज़ पे, ठीक है, क्योंकि मैक के ऊपर जो गूगल क्रोम चल रहा है वो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली मैक पे जो गूगल क्रोम चल रहा है वो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होगा, और विंडोज़ पे जो गूगल क्रोम चल रहा है वो सी शार्प में लिखा गया होगा,
विंडोज़ का जो अपना फ्रेमवर्क है, विंडोज़ का अच्छा दिखने में वो एक जैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक है, वो पीछे तो असल में अलग अलग कोडिंग है दोनों की, और दोनों अलग अलग बिल्ड्स की बिल्ड। मिसाल के तौर पर सम टाइम ऐसा होता है कि विंडोज़ के अंदर एक बिल्ड आ जाती है, वो मैक में नहीं आई होती, वो मैक में एक दो हफ्ते बाद आती है, सही है। या कुछ कुछ पैचेज होते हैं सम टाइम, वो सिर्फ मैक में आते हैं या सिर्फ विंडोज़ में आते हैं, क्योंकि वो इसके अंदर ये बग आ रहा था, उसको फिक्स करने के लिए पैच आया है। तो दोनों में एक जैसा नहीं आता, दोनों में एक साथ नहीं आता। हाँ, वर्जन का नंबर सेम रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक है। तो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है और छः मेजर ब्राउज़र हैं, तो छः थी 18 ये स्क्रीन्स हो गई आपकी। अच्छा, फिर 18 स्क्रीन्स के ऊपर स्क्रीन साइज़ तकरीबन 10 के करीब कोई अलग अलग स्क्रीन साइज़ हैं जो मोस्ट कॉमन है। तो मल्टीप्लाई 10, 18 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया, 180। तो 180 अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर एक वेब एप्लीकेशन को आपने टेस्ट करना है। 180 अलग अलग डिवाइसेस हैं, अभी मैंने मोबाइल को तो शामिल ही नहीं किया उसमें, ठीक है। मोबाइल के प्लेटफॉर्म जो है वो तीन मेजर प्लेटफॉर्म इस वक्त मोबाइल के हैं, एक तो एंड्रॉयड है, एक iOS है, और तीसरे नंबर पे कुछ लोग विंडोज़ फ़ोन को कंसिडर करते हैं, और कुछ लोग जो है वो तीसरा वर्जन कहते हैं कि वो एंड्रॉयड के डिवाइसेस जो बिल्कुल ही थर्ड पार्टी हैं, मतलब जैसे आपका हवावे वगैरह की डिवाइसेस हो गई, ओप्पो की डिवाइसेस हो गई। एक तो एंड्रॉयड है, गूगल का अपना है ना पिक्सल जो है, एक है वो थर्ड पार्टी डिवाइस, तो उनको भी तीसरा। तो तीन प्लेटफॉर्म मोबाइल के अंदर मेजर हैं, उन तीन प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी हज़ारों तरह की जो है ना वो हैं। फिर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक वीडियो बैकग्राउंड में प्ले मारते हैं ना, वीडियो का टैग लगा के, वीडियो लगा के प्ले मार दी ऑटो पे, तो वो ऑटो पे प्ले करने के लिए क्या करना होता है, उसको वीडियो को म्यूट करना होता है और कंट्रोल्स को हाइड करना होता है। अच्छा, मैक के ऊपर यही काम करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी होती है, प्लेन लाइन। वो आपने सुना ही नहीं होगा HTML पढ़ते हुए, नहीं सुना ना आपने HTML पढ़ते हुए कि प्लेन लाइन भी लिखना होता है वीडियो के टैग में। तो वो आपने तो बना दिया, आपने सही बनाया, जब वो QA वाला बंदा उसको टेस्ट करेगा ना 180 अलग अलग डिवाइसेस पे, तो आपको वो रिमार्क्स देगा कि अच्छा इन डिवाइसेस पे ना इसमें प्ले खुद से नहीं होता, प्ले का बटन आ जाता है, प्ले दबाओ तो प्ले होता है। नहीं, वो बस उसके डेवलपर के पास रिमार्क्स आते हैं, वो फिक्स कर देता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसको फिक्स करना, मगर मसला ये कि वो पता तो लगे ना। तो भाई इसके बाकायदा फ्रेमवर्क्स होते हैं, एक उसका बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है सेलिनियम, उस पर काम होता है, पाइथन का फ्रेमवर्क है वो, और बड़ा मुश्किल काम है, सही है। अच्छा, उसको आजकल वैसे दो नंबरियाँ भी कर रहे हैं बच्चे, उससे वेब स्क्रैपिंग भी करते हैं सेलिनियम से, लेकिन असल वो फ्रेमवर्क है टेस्टिंग का इसके, और वो सेलिनियम का स्टूडियो है पूरा, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो होता है ना, इसी तरह सेलिनियम का स्टूडियो है। तो ये तो मैंने एक टूल बताया, फिर उस पर वेब एप्लीकेशन के केस में करा तो उस पर लोड डालना होता है क्यों, कि भाई अगर 100,000 यूज़र एक साथ आ जाए तो क्या होगा, 100,000 यूज़र एक साथ आ जाए अगर मेरी वेब एप्लीकेशन में, तो मेरी वेब एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगी, अब ये करो कैसे करोगे। 100,000 यूज़र अकाउंट जैसे साइनअप करते हैं ना, अभी हमने 2 अकाउंट साइनअप किए हैं, अब 100,000 साइनअप करने के बाद मेरे डेटाबेस का साइज़ क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास कभी, मतलब जाहिर है फेसबुक में 2 बिलियन यूज़र हैं, तो मैंने अगर अपनी ऐप पे सिमुलेशन करनी है कि मेरे पास 2 बिलियन यूज़र जब आएंगे तो मेरा डेटाबेस का साइज़ क्या हो जाएगा, या क्या मेरा सर्वर इनफ पोटेंशियल है उसके अंदर कि 2 बिलियन यूज़र को वो संभाल ले, स्केलेबिलिटी वगैरह की जो टेस्टिंग है सारी। तो ये सारी टेस्टिंग है ना, ये तो क्वालिटी है ना, क्वालिटी एश्योरेंस है ये। तो क्वालिटी एश्योरेंस में वो कुछ है जो आपने अभी ख्वाबों में नहीं सोचा होगा अभी, और क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा हमसे ज़्यादा पैसे लेता है डेवलपर से। हाँ, नहीं कर रहे होते, अच्छा जो देखो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी ऐप कितनी ज़्यादा जो है ना वो है क्रिटिकल है। अच्छा, कहीं पे अगर इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होती है, या छोटी सी ऐप होती है, जैसे दावत इस्लामी वालों की जो एक ऐप है ना, वो जो प्रेयर टाइम, वो मैं यूज़ करता हूँ खुद, तो उसमें 4-5 स्क्रीनें हैं उस ऐप के अंदर ना। अच्छा, वो 2 ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है, एंड्रॉयड और iOS, उसकी वो वेब एप्लीकेशन वगैरह तो है नहीं। तो अगर एक बंदा मैनुअल वेब में है, अच्छा मैंने वो नहीं देखा वेल, तो अगर वो छोटी ऐप है उसको अगर एक बंदा मैनुअली टेस्ट कर ले एक दफ़ा, और वो टेस्ट हो गया, वो उसमें छोटी मोटी चेंजेस ही होंगी डेली। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें हर 6 महीने पे कोई नया फीचर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो वंस वो टेस्ट हो गई मैनुअली तो गुड इनफ है। लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं, जैसे फोटोशॉप है, फोटोशॉप तो भाई उसको तो हर 6 महीने पे उसकी नई बिल्ड आती है, और वो पूरे को टेस्ट करना है, पूरे को। फोटोशॉप में कितने सारे फीचर्स हैं,
उन सारे को टेस्ट करना है कि पेन टूल उसका क्या सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अभी जो बिल्ड आई है। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो नया फीचर मैंने डाला है उसकी वजह से पेन टूल को यहाँ क्लिक मारते हैं और उड़ के उधर भागते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब ये टेस्ट करना है, इसमें धुआं निकल जाता है अच्छे अच्छे डेवलपर्स का, उसको टेस्ट करना है क्योंकि वो सारा विजुअल है। या इसी तरह एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड के अंदर वो सारे की शॉर्टकट सारे बटन्स, अभी जो नई बिल्ड आई है एक उसमें एक वर्ड का भी चेंज होगा ना अगर, तो सारे टेस्ट दोबारा चलाते हैं और वो टेस्ट केसेस लिखे हुए होते हैं उसके, वो कोडिंग होती है बकायदा। QA इज ऑल अबाउट कोडिंग। कोई अगर ये सोच रहा है ना कि QA को ऐसे ऐसे करना होता है उंगली से टच, उंगली से करते रहो टच। एक ऐप को टेस्ट करने में पता नहीं, अगर इसको मैं कैलकुलेट मारूँ ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी एक ऐप को अगर एक बंदा मैनुअली टेस्ट करने बैठे तो पता नहीं उसको 30-40 साल का अर्सा दरकार होगा एक दफ़ा उसको टेस्ट करने में। तो वो इतना टाइम थोड़ी होता है, वो तो सारे टेस्ट केसेस लिखे होते हैं उसके ज़रिए होता है वो, ठीक है। एम एस वर्ड इज़ अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर। या इसी तरीके से जैसे वी एस कोड है, वी एस कोड भी रिलेटिवली एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, एम एस वर्ड जितना बड़ा तो नहीं है लेकिन एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। वी एस कोड में कोई मसला है, नई बिल्ड बनाई और पुराना कोई फीचर छिड़ गया तो बस गेम तो उतर गई। दुनिया के लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से डेवलपर्स हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो तो गालियाँ देंगे और वो तो ट्विटर पे भी तूफान करेंगे और ये सब जगह वो बोलेंगे कि तो कचरा है, तो फिर क्या होगा इनका। तो भाई QA जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है VS कोड के केस में, लेकिन वो प्रेयर ऐप जो है इनकी जो जमात इस्लामी वालों की उसमें शायद इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है वो उसमें। हाँ ये क्रिटिकल बात है कि वो टाइमिंग वाइमिंग ज़रा सही पे अलार्म बजाए है ना, कुछ बस गलत ना कर दे। तो वो एक ही स्क्रीन है जो शायद बहुत ही क्रिटिकल है कि भाई किसी बंदे की शायद नमाज मिस हो सकती है उसकी वजह से अगर उसने गलत टाइम पे अलार्म बजा दिया तो, ठीक है। अदरवाइज उसके अंदर कोई ऐसा बहुत क्रिटिकल फीचर नहीं है।